नमस्कार दोस्तों, रोड कंस्ट्रक्शन गाइड की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड नंबर वन, चेकिंग रेडियस ऑफ कर्व बाय यूजिंग ऑटो लेवल। नंबर टू, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व। फ्रेंड, जनरल हम आम भाषा में पहले समझते हैं, हमारी रोड का अलाइनमेंट हम जनरली स्ट्रेट रोड प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल सीधी रोड प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कई बार हमें जब डायरेक्शन चेंज करना होती है, हमारी जो व्हीकल्स की डायरेक्शन चेंज करना है, या कई बार हमारा जो रोड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर बनती है वहां पर हमें कर्व प्रोवाइड कराने होते हैं, जिन्हें हम मोड़ भी बोल सकते हैं या टर्न भी बोलते हैं। तो यही जो मोड़ है या जो टर्न है, जो कर्व है, ये हमारे कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। अब जहां भी कर्व बनता है या सर्कल बनता है या सर्कुलर पोर्शन बनता है, तो प्रत्येक सर्कुलर पोर्शन का एक पर्टिकुलर रेडियस होता है। तो किसी भी रोड के जो सर्कल है या जो भी सर्कुलर पोर्शन बन रहा है उसका रेडियस आप कैसे चेक करेंगे? जनरली फील्ड में हम जो हमारे पास अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं वो मेजरिंग टेप हो सकता है या ऑटो लेवल हो सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्व के लिए हम जनरली टेप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें ऑटो लेवल यूज करना होता है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है वो काफी अधिक लंबाई में आता है, इसलिए टेप से आपको इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो इसलिए हम आज ऑटो लेवल की मेथड से रेडियस ऑफ कर्व निकालना सीखेंगे। और जब नंबर टू हमारे पास रेडियस ऑफ कर्व मिल जाएगी हमें, तो उस रेडियस ऑफ कर्व के लिए हमें कितना सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है, कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराना है, वो भी हम सीखेंगे। ये वीडियो फुली साइड प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आपके साथ से डिस्कस करूंगा। फ्रेंड, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले एक जरूरी छोटी सी जानकारी फ्रेंड, सिविल गुरुजी की साइड से कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स का जो कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्किल्स और साइट स्किल्स भी आपके साथ ऑनलाइन मोड में डिस्कस की जाती है। ऑनलाइन मोड में आपको इन स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सारे सॉफ्टवेयर जो सिविल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग पर्पज, बिलिंग पर्पज से आपको, और बार बेंडिंग शेड्यूल या स्ट्रक्चरल वर्क से जो भी सॉफ्टवेयर है आपको इस कोर्स के अंदर सिखाए जाते हैं, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सिखाई जाती है। तो इस कोर्स को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है, या आप कॉन्टैक्ट नंबर 9111001234 पर भी कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको सिर्फ मिल जाएगी 14,847 रुपीज में। तो जो भी इस कोर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दी है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहले हम रेडियस ऑफ कर्व के कैलकुलेशन को लेकर कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, फिर हम साइड पर भी चलेंगे, और साइड पर जो हमें मेजरमेंट लेना है रेडियस के डिजाइन के लिए या रेडियस के कैलकुलेशन के लिए, वो हम साइड पर चल के उसके मेजरमेंट भी लेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी स्ट्रेट रोड है जो कि इस प्रकार से एक स्ट्रेट रोड है जो कि पॉइंट ए से होती हुई ये एक सर्कुलर कर्व से, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेट रोड यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये से होती हुई एक सर्कुलर कर्व बना रही है, हॉरिजॉन्टल कर्व बना रही है, और बी पॉइंट पर मिलके ये वापस से स्ट्रेट हो जा रही है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो एक कर्व बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का रेडियस कितना हो सकता है ये हमें चेक करना है। पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी समझेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, एस पर आईआरसी एसपी 48/1998 का फॉर्मूला भी हमें दिया हुआ है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में फ्रेंड अगर हम देखें, अगर हम इस सर्कल को देखें, ठीक है फ्रेंड, तो सर्कल के हम दो पॉइंट, ये तो सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, और ये जो ए से लेके बी तक का जो स्ट्रेट लाइन जो बना रही है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी, ये हमारी कहलाती कॉर्ड, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट पोर्शन, जो सर्कुलर कर्व को, सर्कुलर कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और ये सर्कुलर कर्व का एंडिंग पॉइंट, ठीक है फ्रेंड। इस सर्कुलर कर्व के स्टार्ट और एंड पॉइंट को ये जो स्ट्रेट लाइन मिला रही है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये हमारी कहलाती कॉर्ड, जिसे हम कॉर्ड लेंथ भी बोलते हैं, जहां पर हमने यहाँ पे इसको कॉर्ड लेंथ से डिनोट किया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी कहलाती है सी, ठीक है, कैपिटल सी से इसको यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्व फ्रेंड देखिए, ये हमारी
एक वर्चुअल होते ही इसको हमें एज्यूम करके चलना होता है, ठीक है फ्रेंड। अब रेडियस ऑफ कर्व जो इस पॉइंट से, ये हम अगर इसका सेंटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ओ को हम इस कर्व का सेंटर मान लेते हैं, तो ओ से लेके जो बी तक की डिस्टेंस है वो हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। इसी प्रकार से ओ से लेके के तक की जो डिस्टेंस है ये भी हमारी रेडियस ऑफ कर्व कहलाएगी, क्योंकि किसी भी सर्कल की प्रत्येक पॉइंट पर जो सेंटर से दूरी होगी वो उसके रेडियस के बराबर होगी। चाहे आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लीजिए, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लीजिए, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच दूरी निकाल लीजिए, जो सारी दूरियां होंगी ये आपके कैपिटल आर रेडियस के बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए हम चाहे ये वाली ओ से बी तक की डिस्टेंस को मेजर कर लें या ओ से के तक की डिस्टेंस को मेजर कर लें, ये जो डिस्टेंस होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्व के बराबर होती है। अब बात आती है मुद्दे पे हमारे, जो हमें मेजरमेंट चाहिए। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को देखें तो पाइथागोरस का थ्योरम होता है जो हाइपोटेनस होता है हमारा, इसका जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर, बेस स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ट्राइंगुलर कैसे ड्रा कर सकते हैं, ये जो आप पोर्शन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक ट्राइंगुलर पोर्शन हमारा बन गया है। ये कैसे बना हम समझते हैं, देखिए ये जो सेंटर है इस सेंटर से सीधी स्ट्रेट लाइन रेडियस लाइन हम के तक ले जाते हैं, ठीक है, और ओ से एक लाइन बी तक ले जाते हैं। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी दोनों रेडियस है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए से लेके बी तक की जो कॉर्ड लेंथ है इसके एक सेंटर में पॉइंट मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये सेंटर कॉर्ड का सेंटर मार्क कर दिया। अब एक लाइन को ओ से लेके बी तक मार्क कर दिया, ठीक है फ्रेंड। अब जो अगर हम समझे हमारा जो ओ से बी तक की जो दूरी है वो है आर, ठीक है फ्रेंड, और ये जो कॉर्ड के सेंटर से लेके जो हमारा एपेक्स है कर्व का उसके जो बीच की दूरी है एच, ठीक है। तो ओ से लेके डी के बीच की जो बची हुई दूरी है, ये जो बची हुई दूरी है ठीक है, ये हमारी हो जाएगी आर माइनस एच के बराबर, ठीक है। यानी कि रेडियस में से जो पूरी रेडियस है हमारी उसमें से अगर हम ये वाला एच घटा देंगे, ठीक है, तो हमारी ओ से लेके डी तक की दूरी आर माइनस एच हमें मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम ये जो ट्राइंगल है इसके जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों जो आर्म्स हैं, उसके मेजरमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। हमने डी से लेके बी तक को हमने स्मॉल डी से डिनोट कर दिया है, ओ से लेके बी तक को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया है, और ओ से लेके कैपिटल डी तक को हमने आर माइनस एस से डिनोट कर दिया है। तो अब ये जो है ये हम सारे जो डिनोशन है हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर जो हाइपोटेनस कैपिटल आर बन रही इसका होल स्क्वायर बाय होगा हमारे डीबी के स्क्वायर के बराबर। डीबी क्या है हमारा, डीबी है यहाँ पर डीबी है यहाँ पर हमारा ट्राइंगल का बेस, ठीक है, जिसे हमने स्मॉल डी आगे माना है। तो डीबी है हमारा ट्राइंगल का बेस और ओडी का होल स्क्वायर है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये पाइथागोरस थ्योरम एडजस्ट करते हैं। अब यहां पर हम आगे चलते हैं, आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी का स्क्वायर, क्योंकि डी और बी को हमने यहाँ पे स्मॉल डी मान लिया है, ठीक है, जो डी बी को हमने स्मॉल डी लिया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डी का स्क्वायर कर दिया, और ओडी का स्क्वायर को हमने कर दिया है जो ओ से लेकर डी तक की दूरी है वो है आर माइनस एच के बराबर, तो यहाँ पे आर माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब ये आर माइनस एच का होल स्क्वायर को आप इस पे कहां से लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 2 आर एच, इस प्रकार से आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो आर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 आर एच। जब इसको आप ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको आगे और आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एच। यहाँ पे डी क्या हो गया हमारा, डी हो गया है डी का स्क्वायर जो स्मॉल डी है हमारा, डी है हमारी c/2, ठीक है। डी बी को हमने स्मॉल डी माना है और ये हमारा है c/2 के बराबर। c/2 क्या है, ये जो हमारी ए से लेके बी तक की दूरी है, ठीक है, ए से लेके बी
बी तक की दूरी को हमने सी माना है, ठीक है। तो सी बाई टू हमारे डी से बी तक की दूरी हो जाएगी, यानी कि ए से बी तक जो कॉर्ड लेंथ है उस कॉर्ड लेंथ का हाफ हमारा हो जाएगा स्मॉल डी, जिसे हमने ट्राइंगल का बेस माना है। ओके फ्रेंड, अब एच क्या है, एच हमारी है डी से लेके के तक की दूरी, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2h, तो ये इस प्रकार जो फार्मूला हमारा बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। आर स्क्वायर मतलब जो रेडियस ऑफ कर्व, इसका स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्व इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h। अब इतना ये अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन वाली रखता लग रहा है ये फॉर्मूला, तो आप एक सिंपल फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं एज पर IRC SP48 1998 में। जो रेडियस ऑफ कर्व होता है वो इक्वल टू होता है सी स्क्वायर अपॉन 8h। सी क्या है हमारा, सी है हमारी ए से लेके बी तक की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस नहीं है, ये हमारी कहलाएगी कर्व लेंथ, ठीक है। ये लेंथ नहीं लेना हमें, हमें ए से बी तक की जो दूरी है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये हमें लेना है, ये हमारी कहलाती है कॉर्ड। तो कॉर्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8h। h यहाँ पे क्या है, ए से बी तक की दूरी, जिसे हमने हाइट ऑफ ऑफसेट के नाम से दिखाया है, ठीक है। तो ये जो ऑफसेट आ रहा है ए से डी तक के बीच का जो हाइट आ रही है, ऑफसेट आ रहा है, इसे हमने 8h लिखना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 8h। ये जो फार्मूला जनरली हिली पे, हिली टेरेन जो होती है या जो स्टीप टेरेन पे हम अगर हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर ये वाला फार्मूला हम जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ये फार्मूला प्लेन टेरेन में, वैसे रिकमेंडेशन है कि आप इसको हिली टेरेन में यूज करें, अगर प्लेन टेरेन में आप ले रहे हैं तो प्लेन टेरेन में आप ये वाला फार्मूला ले सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h। चलो ये तो हमने कागज पे बना लिया, कागज पे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। काफी मित्र मेरे बोलते भी हैं कि सर कागज पे तो बता देते हो, साइड पे ही बताया करो। तो ये जो सब हमने मेजरमेंट लेने हैं, जो हमें सी का मेजरमेंट लेना है, कॉर्ड लेंथ लेनी है, एच का मेजरमेंट लेना है, कॉर्ड मतलब ए से लेके बी तक की दूरी लेनी है, और एच मतलब जो हमारे कॉर्ड का जो मीटर, कॉर्ड का जो मिड मिड सेक्शन है, कॉर्ड का जो सेंटर है, उस कॉर्ड के सेंटर से लेके हमारा जो सेंटर अपेक्स है, जो हमारे कर्व का अपेक्स है, उसके बीच की जो हाइट बन रही है, हाइट मतलब जो ऑफसेट बन रहा है, उसके बीच की दूरी कैसे मेजर करेंगे ऑटो लेवल से। तो चलिए हम साइड प्रैक्टिकल वीडियो पर भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें अभी हमारे साइड पर इम्बैंकमेंट का काम चल रहा है, मिट्टी का काम चल रहा है, और ये मेरे आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टल कर्व यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व ये जो टर्न है, और ये जो हमने आप रेफरेंस प्लॉट देखना है, इसके ऊपर चेन एजिंग भी मार्क कर रखी है, जिस पर हमने लिख रखा है कि जो लोकेशन है वो हमारे रोड के डिस्टेंस से कितनी दूरी पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने चूने से मार्किंग कर दी है, प्रत्येक 10-10 मीटर पे रोड के सेंटर पे चूने का मार्किंग कर रखा है, जिससे हमें पता चल सके कि हम रेफरेंस पिलर से कितनी दूरी पर है, रेफरेंस पिलर पर जो चेनेज लिखी हुई है उस चेनेज से कितनी दूरी पर है। ये आप देख रहे हैं चूने का मार्किंग इस प्रकार से हर 10-10 मीटर के इंटरवल से रोड के सेंटर में मार्क करना, ये आपको ध्यान रखना रखना है कि जब भी आप कोई भी मेजरमेंट लें तो वो आप सेंटर ऑफ द रोड के रेफरेंस से लें, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा हर वर्क को करने में, हर डिजाइन वर्क को करने में। इस प्रकार से 10-10 मीटर पर रोड जो चूने का मार्किंग है वो करना है रोड के सेंटर में। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, इस अब यहाँ पे हमने क्या किया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने किया है जो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारे कर्व का स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। जो सर्कुलर कर्व है, देखिए अभी हमने ट्रांजिशन कर्व नहीं बनाया, ट्रांजिशन के लिए आपके लिए क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना, वो ही मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो हमने सर्कुलर कर्व बनाया है, या जो कर्व हम अभी बनाए नहीं है, अभी हम बनाने वाले हैं, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है हम इसका रेडियस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जहां से हमारा जो सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, जो ऑटो लेवल है हमारे, ऑटो लेवल को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि आपको ऑटो लेवल कैसे फिक्स करना है। इसको चाहे तो आप उस तरफ वाले पॉइंट पर रख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरफ वाले पॉइंट पर रख सकते हैं, आप किसी भी तरफ रख लीजिएगा, लेकिन आपको एक श्योर इंश्योर ये करना है कि जो ऑटो लेवल रहे वो आपके कर्व के स्टार्ट पॉइंट पे रहे और रोड के सेंटर में रहे। इस प्रकार से आपको ये फिक्स करके चलना है। चलिए इसको देखते हैं सेट करके,
ठीक है, इस प्रकार जो प्लम बॉब मैंने लगा दिया नीचे, जो कि आपके रोड के सेंटर को बताएगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रोड के सेंटर में है या नहीं। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑटो लेवल को, जो हमारा कर्व का स्टार्ट पॉइंट है, जैसे जैसे हमने पीछे देखा था ए और बी देखा था, तो हमने ए पॉइंट पर ऑटो लेवल को लगा दिया है। ये जो हमने चूने का मार्किंग किया है फ्रेंड, इससे हम चाहे तो टैप की मदद से भी इसको मेजर कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कर्व लेंथ है, जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्व निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्व निकालने के लिए मैंने जो आपको फार्मूले बताए हैं, पाइथागोरस थ्योरम और एक जो IRC SP44 के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ। अब क्या करना है मैं समझता हूँ आपको। देखिए, अब हमने स्टाफ को कहाँ रखना है, स्टाफ को हमें ले जाना है जो एंड पॉइंट है, जो बी पॉइंट है कर्व का, उस पॉइंट पे रखना है। स्टाफ को सेंटर में ही रखना है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्टाफ जो भी रीडिंग हमने, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सेंटर में रखा है, तो हमारा जो स्टाफ रहेगा वो भी सेंटर में ही रखेंगे। तो अब जो बी पॉइंट है जहां पर हमारा कर्व एंड हो रहा है, वहां पर हम स्टाफ को वर्टिकल रखते हैं और इसमें से रीडिंग लेते हैं। रीडिंग आपको किसकी लेनी है वो आप बता देता हूँ। रीडिंग यहाँ पे हमें लेनी है जो अपर है क्रॉस हेयर का जो रीडिंग आएगा, और जो लोअर क्रॉस हेयर का रीडिंग आएगा वो रीडिंग हमें लेनी है, यानी अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया की रीडिंग हमें लेनी है, जिससे हम जो कॉर्ड लेंथ है वो कॉर्ड लेंथ मीटर कर सकते हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अगर हो सके तो कैमरे की हेल्प से दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिखेगा तो नहीं फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ रीडिंग, अपर हेयर, अपर क्रॉस हेयर और लोअर क्रॉस हेयर की रीडिंग, क्योंकि इसमें तीन क्रॉस हेयर रहते हैं, एक सबसे ऊपर रहता है, एक बीच में रहता है, एक लो और एक नीचे होता है। तो हमें ऊपर वाले क्रॉस हेयर और नीचे वाले क्रॉस हेयर की रीडिंग हमें नोट करनी है। वो रीडिंग कितनी आती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो हमें अभी कॉर्ड लेंथ निकाल लेंगे हम। कॉर्ड लेंथ मतलब मैं बता देता हूँ, ये जो हमने यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा था, ठीक है, और ये सीधी ले जाके हमने क्या रख दिया था, रोड के सेंटर में। ये हमने सेंटर लाइन, ये हमारी इस रोड की सेंटर लाइन। ओके फ्रेंड, तो ए पे हमने ऑटो लेवल रखा था और बी पॉइंट पर स्टाफ रखा था। अब स्टाफ की हमने कौन कौन सी रीडिंग ली है, स्टाफ की हमने रीडिंग ली है अपर क्रॉस हेयर की, जो आई हमारी 1.815, और लोअर क्रॉस हेयर है, लोअर स्टेडिया की रीडिंग आई है 1.120। तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो अपर रीडिंग है, अपर क्रॉस हेयर की रीडिंग है 1.815 माइनस में 1.120 मल्टीप्लाई 100, तो हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी 69.5 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस आ रही है, कॉर्ड की डिस्टेंस आ रही है, वो हो जाएगी 69.5 मीटर। आप चाहे तो इसे टैप से भी नाप सकते हैं, लेकिन कई बार टैप से नापना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं या खाई आ जाती है, वैली पोर्शन आ जाता है, तो वहां पर हम इसको टैप से नहीं नाप सकते हैं, तो वहां पर हम इस प्रकार से ऑटो लेवल का यूज कर सकते हैं। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ ऑफसेट। अब ये ऑफसेट की हाइट कैसे निकलेगी, ऑफसेट मैं बता देता हूँ कौन सी, इसको हमने ऑफसेट बोला है, ऑफसेट हमने यहाँ पे बोला है ए से लेकर डी तक, यानी जिसे हमने स्मॉल एच से दिखाया, स्मॉल एच जो कि हमें यहाँ पे यूज आ रहा है, ये जो एच है ये वाला स्मॉल एच, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर देखें तो ये वाला एच, ये जो एच हमने लिया है, ये के से डी तक के बीच की जो दूरी है उसे हमने एच से दिखाया है। अभी एच कैसे निकालेंगे आप प्रैक्टिकली वो हम समझते हैं। ठीक है, अब हम स्टाफ को हमारे जो कॉर्ड आई है, कॉर्ड के सेंटर के लगभग सेंटर में हम ले आते हैं। अब लेके लिए जो हम इसको रेंजिंग करेंगे, हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है,
स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन जा रही है, अब ये जो बंदा है ये बीच में खड़ा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि बिल्कुल हमारे जो आई पीस है इसकी रेंज में आ जाए, इसके जो क्रॉस हेयर, मिडिल क्रॉस हेयर है उसकी रेंज में आ जाए, ठीक है। तो अब हम स्टाफ को हम हमारे कॉर्ड के जो डायरेक्शन है, कॉर्ड की जो रेंज है, उस कॉर्ड की रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। अब जो आई पीस है आर टू लेवल की, उस आई पीस में से आपको जब स्टाफ देखने लगेगा, तो समझिए जो आपकी रेंज है, जो कॉर्ड की रेंज है, उसमें हमारा स्टाफ आ गया है। यहाँ पे हमें स्टाफ की रीडिंग नहीं लेना है, सिर्फ हमें ये लोकेट करना है कि जो रेंज है हमारी कॉर्ड की, उस रेंज में हमारा स्टाफ है नहीं। इसके बाद हम स्टाफ को देख लेते हैं हमारी रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर नहीं देख पाएगा, फिर भी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं स्टाफ को, हम देख पा रहे हैं हमारे जो क्रॉस हेयर है उस पर हमारा स्टाफ मैच कर रहा है, ठीक है। अब स्टाफ को हम वही रखा रहने देंगे, और इसको हम जो स्टाफ और जो रोड का सेंटर है उससे अब इसकी दूरी नाप लेंगे। चलो एक बार उसको मेजर करके देख लेते हैं, ठीक है। ये जो मतलब ये जो दूरी यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की दूरी है, ठीक है। पीछे थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, इस पॉइंट से लेके जो स्टाफ रखा है इस पॉइंट के बीच की दूरी हम नापेंगे, ठीक है। तो ये जो दूरी आएगी यही हमारी कहलाएगी ऑफसेट। इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं, ठीक है। ये रोड का सेंटर है हमारे, जहां पे चूना लगा रखा है, इस रोड के सेंटर से स्टाफ को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, स्टाफ को वही लेने देना। यहाँ स्टाफ की रीडिंग नहीं चाहिए हमें, स्टाफ सिर्फ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके हमने जो रोड का सेंटर है उस सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी आई है लगभग 5.8 मीटर, ठीक है। ये हमारा 5.8 मीटर, यानी जो ऑफसेट आ रहा है, एच आ रहा है, वो हमारा 5.8 मीटर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल गई 69.5 मीटर, और हाइट ऑफ ऑफसेट निकल गई 5.8 मीटर। अब हम चलते हैं और जो कैलकुलेशन है उसको करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो के से डी के बीच की दूरी 5.8 मीटर आ गई है, और डी से बी जो हमारी कॉर्ड आई थी, कॉर्ड 69.5 मीटर, तो हमारा डी जो हो जाएगा, जिसे हमने स्मॉल डी दिखाया था, तो सी बाई टू यानी कि 34.75 मीटर, ठीक है। कॉर्ड का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉर्ड का आधा हो जाएगा, डी से बी के बीच की दूरी 34.75, और हाइट ऑफ ऑफसेट के से डी के बीच की दूरी हो जाएगी 5.8 मीटर। और कैपिटल आर, ये जो कैपिटल आर है ये हमें निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम में फ्रेंड हमने फार्मूला बनाया था, आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। तो कैपिटल आर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो डी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 34.75 का स्क्वायर, प्लस एच की जगह रख देंगे 5.8 का स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे 2 × 5.8 से। तो हमारी जो रेडियस ऑफ कर्व आ जाएगी वो हो जाएगी 107 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्व निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से वो निकलेगी 107 मीटर। अब हम एज पर IRC SP48/1998 का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसका फार्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 8h, ठीक है। सी स्क्वायर अपॉन 8h, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। तो C यानी कॉर्ड लेंथ, इसे लेके D के बीच की दूरी है 69.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 × 5.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 104.1 मीटर। ये जरूरी नहीं है दोनों फार्मूले सेम निकले, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट, 1-2 मीटर का डिफरेंस, जैसे यहाँ पर हमारा 2.9 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा आ सकता है। क्योंकि ये जो फार्मूला है ना फ्रेंड, ये फार्मूला हमारे हिली टेरेन के लिए होता है, और ये वाला जो फार्मूला ये हमारे रोलिंग टेरेन या प्लेन टेरेन के लिए होता है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन हमारे करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो डिजाइन और सुपर एलिवेशन अब करते हैं। सुपर एलिवेशन हमें जो हमने मेजरमेंट लिए हैं, टेकन मेजरमेंट है हमारे, उनके हिसाब से हमें कितना सुपर एलिवेशन रोड में प्रोवाइड कराना है। तो हम जानते हैं ए इज इक्वल टू, ए को अगर सुपर एलिवेशन माने हम, तो ये इसका जो फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपन 225 आर। बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो कि आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे कैपिटल वी है हमारा वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, और कैपिटल आर है हमारा रेडियस इन मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, जो इस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आपको रखनी है, और रेडियस है उसको मीटर में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वी
मानना पड़ेगा, भी इसलिए मानना पड़ेगा कि हम जो रोड बना रहे हैं वो कितनी डिजाइन स्पीड के लिए बना रहे हैं। तो हम जैसे ये हमारे विलेज रोड है, तो विलेज रोड में स्पीड जनरली दी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो ये को हमने रख लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेडियस ऑफ कर्व हमें मिली है 104.1 मीटर। तो इस फॉर्मूले में ये फिगर हम रख देंगे, ये इस इज इक्वल टू हो जाएगा 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई 104.1। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इस एज इक्वल टू आ जाएगा 0.0683। अब इसे इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करेंगे हमारी हो जाएगी 6.83%। ठीक फ्रेंड, तो हम सभी ये जानते हैं कि जो परमिसिबल वैल्यू होती है सुपर एलिवेशन की, वो हमारी 7% से कम होनी चाहिए। यानी 7% से अधिक हम सुपर एलिवेशन हमारी जो रोड है हॉरिजॉन्टल कर्व है उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर मान लो ये जो वैल्यू है वो 7% से ऊपर जाती, 8% या 9% आती, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता फ्रेंड? उस कंडीशन में फिर हमें जो हमारी स्पीड है उस स्पीड को कम करना होता। फिर हमें जो स्पीड 40 अभी ली है ये हमें 30 या 35 लेकर डिजाइन करना होती है। तो अगर सुपर एलिवेशन बढ़ेगा तो स्पीड हमें कम करना होगी, लेकिन सुपर एलिवेशन किसी भी कंडीशन में हम 7% से ऊपर नहीं रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अपडेट्स भी मिलते रहे। ओके फ्रेंड, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है, फेसबुक ग्रुप की भी लिंक आपके साथ शेयर कर दी है, वहां पर भी हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलता हूँ, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।